नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एक सरकारी काम, सरकारी निर्माण कार्य कैसे पूरा होता है, शुरू कहां से होता है, ख़त्म कैसे होता है, सारी प्रोसेस जो भी बीच में आएगी बहुत आसान शब्दों में बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप दिल थाम के बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, क्योंकि मैं बहुत बेसिक टर्म्स में यहाँ पे यूज करूँगा, बहुत आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूँगा, ताकि हर वो इंसान को समझ में आ जाए जो इसे समझना चाहता है या करना चाहता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि किसी काम की घोषणा होती है मुख्यमंत्री महोदय द्वारा या मंत्री महोदय द्वारा कि आपके क्षेत्र में ये काम करवाया जाएगा, फिर वो काम संबंधित डिपार्टमेंट को अलॉट किया जाता है। जैसे वो इरिगेशन का काम है, नहर का कुछ बनाना है तो इरिगेशन करवाएगा, सड़क बनानी है तो PWD करवाएगा, पीने के पानी की कोई व्यवस्था करनी है तो PHED करवाएगा। ऐसे सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स सरकार के पास, तो उनको काम दे दिया जाता है। उसके बाद में वो उसका एस्टिमेट बनाएंगे। एस्टिमेट का मतलब है, बहुत ईजी वर्ड में बताऊँ, अपना खाका तैयार करेंगे, कितना खर्चा इसमें आने वाला है वो तैयार करेंगे। उसके बाद में उसको अप्रूव करवाएंगे जो भी लेवल पे होगा, चीफ इंजीनियर करना है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने करना है, मतलब एक्सीएन करेगा या चीफ इंजीनियर करेगा, जो भी उसका अलग अलग लेवल होता है वहाँ से वो सैंक्शन करवाएंगे। उसके बाद में उसके लगेंगे ठेके, जिसे हम कहते हैं टेंडरिंग। उसके लिए फिर क्या होगा, सभी लोगों से आवेदन मांगे जाएंगे, जितने भी ठेकेदार उस फील्ड में हैं, जो उस जोन में जहाँ भी रजिस्टर्ड हैं, उन सबसे आवेदन मांगे जाएंगे। फिर सभी लोग आवेदन करेंगे कि हम ये काम करने के इच्छुक हैं। फिर एक नियत तारीख पे एक दिन फिक्स किया जाएगा, उस दिन सभी को जितने भी ऑफर आए, जितने लोगों ने अपनी अपनी रेट भर के देनी होती है कि मैं ये काम इतनी परसेंट की दर पे कर दूंगा, जो आपने दर बताई उससे कम पे करूंगा या ज़्यादा पे करूंगा, वो सब उसे बता देते हैं। एक दिन बैठ के उन रेट को सभी को खोला जाता है, और उसमें जो सबसे कम, सबसे सस्ते में जो काम निपटा रहा होता है, जो भी ठेकेदार ने सबसे कम बोली लगाई है कि मैं 100 रुपये का काम 80 रुपये में करने को तैयार हूँ, तो उस जो भी फर्म की लोएस्ट रेट होगी उसको वो काम करने का ऑर्डर दे दिया जाता है। तो मतलब उसको कहते हैं कि मेरे ठेका मिला है, मुझे ठेका मिल गया है, या ये ठेका इनके खुला है, ऐसे आपने बात सुनी होगी समाज में। तो ये होती है टेंडरिंग। उसके बाद में वो काम चालू होगा, और उसके जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका पेमेंट ठेकेदार को मिलता रहेगा। तो ये एक प्रोसेस है, ये बेसिक प्रोसेस है कि सरकारी कार्य कैसे पूरे करवाए जाते हैं, कैसे निर्माण कार्य पूरे होते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं आपको इस सीरीज में लाके दूंगा, बहुत आसान शब्दों में मैं बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि हर कोई इंसान जो ठेकेदारी करना चाहता है या जो ठेकेदारी कर रहा है उसको मदद मिल सके। बहुत सारे टॉपिक्स हैं ठेकेदारी से रिलेटेड, चाहे मैं बात करूँ टेंडरिंग क्या होती है, ठेकेदारी का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कौन सी ग्रेड का ठेकेदार कितने काम ले सकता है, और टेंडर में कितने दिन का टाइम मिलता है, वर्क ऑर्डर क्या होता है, अर्नेस्ट मनी क्या होती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बस आप बने रहिए, हम मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।